जी मैं दिव्या सिंह और माहिया 68 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था 2018 में। एम टावर 104 फ्लैट नंबर है। यहाँ पर पहुँचे आप प्रदर्शन करने के लिए? बिल्कुल, हम परेशान हैं इसलिए इस जो नीति है, जो पॉलिसी है सरकार की और जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं। काफ़ी दिनों से हम चक्कर काट रहे हैं, हर जगह हर ऑफिशियल अथॉरिटीज़ में गए हैं जहाँ पे हमने अपनी बातें रखी हैं, बट कोई सुनने को रेडी नहीं है, कोई क्लियर कट बता नहीं रहा है कि क्या करेंगे आगे जाके हमारे प्रोजेक्ट का। इसका मकसद यही है कि अगर हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनते हैं, वोट देते हैं ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो, सुनवाई हो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हमारे बिल्कुल हम सबके मिलके ये है कि हम सरकार को वोट नहीं करेंगे जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता है। माफ करूँ, हरियाणा एजुकेशन से रिटायरमेंट में जो पैसा लाया इन चोरों को दे दिया। धर्म सिंह छोकर, इसका छोरा सिकंदर, ये चोर है जो, इनको दे दिया सारी रकम। में हट पे बैठे हैं, डोल रहे हैं, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए चक्कर काट से, कुछ लेना एक ना देना दो, ना कोई सरकार नाम की चीज है। इस राज्य में चोरों का राज्य है, भ्रष्ट सरकार है। इतनी जनता खड़ी है अपने बाल बच्चों को छोड़े, अपने काम धंधे को छोड़े, ना तो गवर्नमेंट को कोई शर्म आती है, ना इन अधिकारियों को। ये भी सब चोर बैठे हैं, हरेरा में भी, DTCP में भी, सब चोर बैठे हैं। इन सब की मिली भगत है, प्रशासन सब भ्रष्ट है। कितनी जनता यहाँ खड़ी है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आगे की आपकी रणनीति? आज की रणनीति यही है कि जब तक आखिरी सांस है, जब तक संघर्ष करेंगे, इन चोरों से लेकर छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, घर को लेकर रहेंगे। मैं दिवाकर कुमार, अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी था, हूँ। क्या कहेंगे, कब निवेश किया था आपने, कितने रुपए का निवेश किया? 2018 में मुझे काशियाने की जरूरत थी, तो हम लोगों ने इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार के देख रेख में होने वाले इस प्रोजेक्ट को में हम लोगों ने घर के लिए निवेश किया। हम लोग अपना 100% पेमेंट बिल्डर को दे चुके, और ये शर्त थी कि बिल्डर जो है वो सरकारी कानून के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को 4 साल में पूरा करके लोगों को देगा। लेकिन इस बिल्डर की गलतियों के चलते, और इस गलती में मेरे विचार से सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि बिना सरकारी अधिकारी के लापरवाही के इतना बड़ा स्कैंडल हो नहीं सकता था। तो अब ये स्थिति आ गई है कि हम लोग अपना सारा पैसा एक तरह से गंवा चुके हैं, बिल्डर को दे चुके हैं, लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बिल्डर पर एक्शन लेकर के, या जिस भी तरीके से हो, वो हम लोग को अपना आशियाना हम लोग को कराए। सिकंदर चोकर को गिरफ्तार तो कर लिया है जो? देखिए, कानूनी प्रक्रिया जो भी हो, वो सरकारी काम है, वो अपना वो जो काम करना है सरकार करे, लेकिन सरकार हमारी प्राथमिकता पर ध्यान दे कि हमें कैसे हमारा घर मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता अब ये होनी चाहिए। तो आगे आपने नो वोट नो होम का नारा दिया है, क्या कुछ इसका? इसलिए दिया है कि हम वोट देते हैं अपनी बेहतरी के लिए, सरकार बनाते हैं, और जब वही सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी करने लगे तो हम उस सरकार का समर्थन कैसे करें? वोट नहीं दोगे आप इस बार? देखिए, सरकार अगर आश्वासन दे हमें कि हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे, तब तो हम वोट देंगे, नहीं तो ऐसे वोट देने का कोई फायदा ही नहीं। मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं रेवाड़ी हरियाणा का निवासी हूँ जी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, किस लिए आप पहुँचे हैं? आज हम पहली बार प्रदर्शन करने नहीं पहुँचे जी, सन 2018 में हमने प्रोजेक्ट में घर लिया था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये प्रोजेक्ट था, माहिरा होम सेक्टर 68 के नाम से, जो कि DTCP डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से पूरे तरह से लाइसेंस मिले हुए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत था और रेरा से अप्रूव था, यानी कि सबसे सेफ प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं पूरे इंडिया में, वो था ये। लेकिन इसका परिणाम क्या मिला कि आज हमें 6 साल हो गए धक्के खाते हुए, धूप और बारिश में हम यहाँ गुड़गांव में, चंडीगढ़ में, हम हर नेता और बाबू के धक्के खाते हुए आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से आप पहुँचे हैं और कितने निवेशकों ने इसमें निवेश किया था, कितने रुपए की जमा पूंजी आपने निवेश कर रखे हैं सबने? देखिए, सेक्टर 68 प्रोजेक्ट में टोटल 1497 फ्लैट्स हैं, तो 1497 हम बायर्स हैं,
और पूरे दिल्ली NCR के नहीं, बहुत दूर दूर से, यानी जयपुर, नोएडा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक से भी लोग आए हुए हैं। किन किन अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं सर? हम डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग गुड़गांव में, रेरा एच रेरा गुड़गांव में, एच रेरा चंडीगढ़, एच रेरा पंचकूला, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चंडीगढ़, इन सभी अधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को भी। देखिए, हमें तो ये सीधा साफ और साफ ये लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने घोर लापरवाही क्या कहें, इसे मिलीभगत कहना चाहिए कि बिना मिलीभगत के तो इतना बड़ा ये कांड हो ही नहीं सकता था कि जिसको तरह तरह के लाइसेंस, आप खुद ही समझिए, आप एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस लेने चले जाएं तो आपके चक्कर कटवा दिए जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, इन्होंने फर्जी कागजों के आधार पर लाइसेंस दे दिया और इनको पता भी कब चल रहा है, 4 साल के बाद, जब लोगों की 100% पेमेंट, हम सब लोगों की 100% पेमेंट जा चुकी है, उसके बाद इन्होंने उस पर प्रोजेक्ट पे ताला लगा दिया ये कह के कि प्रोजेक्ट फर्जी कागजों पे इसको लाइसेंस दिया था हमने, इससे पहले का प्रशासन सो रहा था। ये अनियमितता है, ये घोर लापरवाही नहीं बल्कि सरासर मिलीभगत है बाबू की। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, हमने हाईकोर्ट में हम जा रहे हैं, रिट पिटीशन हम दायर कर रहे हैं सोमवार को, ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमने DTCP डिपार्टमेंट को और यहाँ रेरा ऑफिस में भी पिछले 1 महीने पहले दी थी, लेकिन इसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया।